हेलो, सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक वर्सेस वीडियो दो गॉड्स के बीच में, उन सुपर हीरोज के बीच में जो कि अपने अपने यूनिवर्स के बेहद खतरनाक सुपर हीरोज माने जाते हैं, और उनके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स के बीच में आज हम बैटल कराएंगे। और अगर आप इस वीडियो से खुश ना हो तो हमारी आने वाली दो वीडियोज जो कि हर एक सुपर हीरो के ओरिजिन और हिस्ट्री पर बेस होगी वो भी देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरमैन की, जिसके नॉर्मल फॉर्म में ही बहुत सारी कमजोरियां हैं, जैसे कि क्रिप्टोनाइट, मैजिक, टेलीपैथी, रेड सेल रेडिएशन और भी बहुत कुछ। और उसकी पावर्स तो आप लोग जानते ही है। सुपरमैन का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन यानी कि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन, वो आज हम इस्तेमाल करेंगे रियुनकिंग थॉर के अपोजिट में। तो बात करते हैं सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के बारे में। तो जब 21st सेंचुरी में उसके रिलेटिव्स और लव इंटरेस्ट मर गए तो वो दुखी हो गया और यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगा, और इस बीच उसने बहुत सारी पावर्स गेन कर ली और वो लौटा अर्थ पर 853rd सेंचुरी में। और जब वो अर्थ पर लौटा तब वो सर से लेकर पाँव तक गोल्डन हो चुका था, क्योंकि उसने इसी बीच 15,000 साल सन के कोर में बिताए थे। इस वजह से उसने गॉड लाइक पावर्स गेन कर ली थी। और क्योंकि वो 853rd सेंचुरी में वापस आया तो इस वजह से वो 10 लाख साल अर्थ से दूर था, और इसी वजह से उसे नाम मिला सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। अब बात करते हैं उसके पावर्स और वीकनेस के बारे में। सुपरमैन की वीकनेस तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर सुपरमैन को बैटरी माना जाए तो सन को हम एक चार्जर मान सकते हैं। और अगर सुपरमैन प्राइम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक चलता फिरता सन है। उसके सेल्स ने इतनी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली है या फिर सन रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली है कि वो अब एक सन की तरह पावरफुल हो चुका है, तो इस वजह से उसे फिर से रिचार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस फॉर्म में उस पर क्रिप्टोनाइट, मैजिक और टेलीपैथी जैसी चीजें असर नहीं करती, तो इस वजह से वो एक पावरफुल बीइंग बन चुका है। तो अब बात करते हैं उसके पावर्स के बारे में। सुपरमैन प्राइम के पास वैसे तो बहुत सारे पावर्स है, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ ही पावर्स का जिक्र करेंगे और कुछ ऐसी पावर्स के बारे में बात करेंगे जो कि उसके पास ना होते हुए भी हमें लगता है कि उसके पास है। उसके पास नॉर्मल सुपरमैन जैसी सभी पावर्स है और कुछ एक्स्ट्रा भी, जैसे कि इंफ्रारेड विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, एक्सरे विजन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और भी बहुत कुछ। तो अब बात करते हैं उन पावर्स के बारे में जो कि उसके पास नहीं है, जैसे कि वो किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। लुइस लेन और उसके खुद के प्लैनेट को उसने नहीं बल्कि किसी और ने जिंदा किया था। लुइस लेन को जिंदा करने के लिए उसे सबसे पहले लुइस लेन का DNA लगा था, और इसमें उसकी मदद की थी 5th डायमेंशन के एक बीइंग ने, और कहा जाता है कि उसने सोलारस नाम के एक पावरफुल विलेन को भी हराया था। ये सच आधा है, क्योंकि इस काम में उसकी मदद जस्टिस लीग के मेंबर्स ने की थी। तो बात करते हैं थॉर ओडिनसन के बारे में। नॉर्मल फॉर्म में थॉर काफी ताकतवर है, और उसकी एक ही कमजोरी मानी जाती है जो कि है वॉरियर मैडनेस। तो इसमें आखिर होता क्या है? इसमें उसके सर पर एक पागलपन सवार हो जाता है, और उस पागलपन में वो अपने राइवल को यानी कि सामने वाले शख्स को अपना दुश्मन मान बैठता है, और उस पर जब तक जान ना जाए तब तक वार करता रहता है। और रियुनकिंग थॉर अब तक का उसका सबसे पावरफुल और सबसे स्मार्ट वर्जन है। तो इस फॉर्म में उसके पास कौन कौन सी पावर्स है? उसके पास है रियुन मैजिक, ओडिन फोर्स, विजडम ऑफ गॉड्स, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखने की पावर्स भी है। और इतना ही नहीं बल्कि जब उसने ये पावर्स गेन कर ली तब उसने बेटा रे बिल को दूसरी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट कर दिया था, जो कि उसी के लोगों की यानी कि एस्गार्डियंस की रक्षा कर रहा था। लेकिन उसे कोई नुकसान ना पहुंचे इस वजह से थॉर ने बेटा रे बिल को दूसरी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट कर दिया था, और ऐसा करने के बाद उसने साइकिक लिंक के साथ उसे समझाया भी था कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसने मैंगो को एक हाथ से रोक कर उसे एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया था बिना उस पर कुछ पावर्स खर्च किए। उसने वेलाला के डायमेंशनल बैरियर को अकेले तोड़ दिया था। लुकी के सिर को उसने बिना शरीर के जिंदा रखा था, और उसने गॉड्स ऑफ गॉड्स को भी मार दिया था म्यूलर के एक ही ब्लो से, और इसी वजह से वो एक सेलेस्टियल बन चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद भी खतरे में आ सकता है। लेकिन फिर भी उसने खुद की परवाह ना करते हुए ऐसा किया, और इस वजह से वो एक सेलेस्टियल बन गया
यानी कि गॉड्स ऑफ गॉड। और इतनी पावर के साथ रियुनकिंग थॉर को हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, यहाँ तक कि सुपरमैन प्राइम के बस की भी नहीं। तो इस वजह से इस बैटल का विनर है रियुनकिंग थॉर। तो अगर आप इस रिजल्ट से खुश ना हो तो मुझे कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। और साथ ही साथ हमारे आने वाली दो वीडियोस जो कि रियुनकिंग थॉर और सुपरमैन प्राइम के ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में होगी वो भी देखें, ताकि आपको इस बात का प्रूफ भी मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।